को पथर तले जीवन जयपुर रानीगढ़ गुंफा पथर क्वारी में श्रमिक फसी रहा घटना को बीतला 65 घंटा एवं सुधा भी दुई निखोज कौन खोज खबर मिलना सका आरंभ हो प्रथम पर्याय उद्धार कम शेष हो कि समय पर पुणि उद्धार कम आरंभ होनडीआरएफ पक्ष एपटे जिलापा उद्धार कम चली डीडी कन्स्ट्रक्शन विरोध में आईनगत कार्यानुष्ठान चारिदिन फसी रही दुई जेसीबी अपरेटर उभय उद्धार पर सका पुणि आरंभ हो उद्धार कार्य एनडीआरएफ अग्निशम विभाग और ड्राफ्ट टीम उद्धार कार्य सामिल उद्धार कार्य गोटे क्रेन और दुईट जेसीबी नियोजित अच्छा आवश्यक पड़े आउ गोटे क्रेन नियोजित गतकाल जगदलपुर एनएमडीसी कंपानी गोटे क्रेन आसी विलंबित राति पहुंचा हेले क्रेन साधार हो पार्बली अपरेटर कहते तेणु पथर तले चापी हो रही दुई जेसीबी अपरेटर संजय दास और घनश्याम गुरु को किपर उद्धार करता देखाई यहाँ के आई विटनेसेस बताएं कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ दो विक्टिम हो सकते हैं पर कंफर्मेशन हमें कुछ नहीं मिला है। पॉसिबिलिटी के आधार पे हम अभी काम कर रहे हैं तो उस पॉसिबिलिटी के आधार पे हमने उस लोकेशन को जीरोइंग किया और उसके बाद सबसे पहले आज हमने फिजिकल सर्च की कार्रवाई की। तो जैसा कि फिजिकल सर्च जो एरिया है वो अभी सिक्योर नहीं है, अंदर जाना बहुत डेंजर है, बट जैसा कि मैंने कहा दो लाइफ पॉसिबिली ट्रैप है तो हमारे रेस्क्यूअर्स ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के अंदर फिजिकल सर्च में गए बट स्टिल अंदर डिब्रीज अभी तक मूव कर रही है। बाद में हमने विक्टिम लोकेशन कैमरा सर्च कैमरास को यूज किया जो हमने 4 मीटर अंदर तक अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 फीट अंदर तक जाके सर्च करने की कोशिश की तो वहां पर भी हमें मोस्ट इंपोर्टेंट एनडीआरएफ स्पेशल इक्विपमेंट सेंसर्स एंड लाइट डिटेक्टर डिटेक्शन पे गोटे राउंड ऑफ सर्च कर गोटे 15 मिनट्स पर अगेन वन मोर राउंड ऑफ सर्च से पॉजिटिव साइन टू साइन बट स्टिल यू आर होपफुल टू आइडेंटिफाई द लोकेशन। ए संपर्क में अधिक सूचना देवाई आम सहित सीधा सड़क जोड़ी हो जाइंट आम प्रतिनिधि पद्मनाभ होता रही पद्मनाभ 65 घंटा होगला किंतु ए पर्यंत दुईज श्रमिक को उद्धार करपडेट कौन रही पद्मनाभ प्रियंका देखो आप जपरी भाव में कहते जो घटी घटना आपको देखो 65 घंटार अधिक समय और आज हूँ चतुर्थ दिन में कौटना कौटे उधार कार्य आरंभ होना विलंबित हेले जेहतु उधार कार्य आरंभ हो उधार कार्य एनडीआरएफ टीम सहित अग्निशम विभाग और ओड्राफ टीम को नियोजित कर प्रथम पर्याय जो रही उधार कार्य शेष होता बेले बर्तमान द्वितीय पर्याय उधार कार्य आरंभ हो आउ गोटे सूचना मतलब देवा चाहिए जो उधार कार्य कर उधार कार्य प्रथम जो रही पर्याय केवल सर्च अपरेसन कहीं जेहतु बड़ जेहतु पहाड़ रही बड़ पहाड़ बड़ बड़ जेहतु पथर गुड़िक खसी जाती तेणु निर्दिष्ट क्यों स्थान में से जेसीबी रही है दुई जन जो जेसीबी अपरेटर रही जाती प्रथम पर्याय ही सर्च कर खोजा जाता एनडीआरएफ जो टीम आर वैश्विक जो टीम आने विभिन्न स्थान में जो रही कैमेरा को नियोजित करते जहां आमको एनडीआरएफ टीम सूचना देते जेसीबी टी कू पाखे अच्छी तार किसी बास्ना और जो रही गंध जो डीजेल जहां पड़ जाती से आधार कोर्टे रही ठाक कर द्वितीय पर्याय बर्तन हो निर्दिष्ट क्यों जगह से जेसीबी मेसीन रही से जो अपरेटर मैंने अच्छे जीवित अच्छा ना नहीं सर्च अपरेसन भी द्वितीय पर्याय ही आरंभ हो और 10-15 मिनट पूर्व ही द्वितीय पर्याय सर्च अपरेसन आरंभ होती निर्दिष्ट कोई जगह ये दुई जन चापी रही जाते जेसीबी टी मेसीन टे कोई जगह रही ठाब होगा पर ही निर्दिष्ट से स्थान ही बर्तमान उधार कार्य आरंभ हो जहां एनडीआरएफ जो रही उधारकारी दल जहां सूचना देते कहीं जब एत बड़ जेहतु पहाड़ रही एत बड़ बड़ जेहतु पथर रही पूरा पहाड़ जी पथर को जब उधार कर बाहर करी दुई जन को उधार करने जब चेषा तार बहुत समय लग तेणु एनडीआरएफ टीम बर्तन जो रही प्राथमिकता रही फोकस रही निर्दिष्ट क्यों स्थान में जेसीबी रही अपरेटर दुई जन रही ही बर्तन खोजा चली खोजा प्रक्रिया सर पर ही उधार कार्य आरंभ हो और उधार कार्य में गोटे क्रेन सहित तीनोटी जेसीबी मेसीन को लग जाती जहां जिलापा सूचना दूसरे यथा संभव और जिते शीघ्र हम उधार कार्य को त्वरान्वित दुई जन जो जेसीबी अपरेटर को उधार करने जिला प्रशासन पूरा चेषा कर आउ गोटे कथा जेहतु डीडी बिल्डर विरुद्ध में जेहतु प्रश्न उठाला बेन भाव से जेहतु पथर जेहतु खोलुला और जेहतु जयपुर तहसिल कार्यालय जेहतु मतलब सन्देह कर जिलापा प्रतिक्रिया रखी क्यों आधार में किए अनुमति देने यठार पथर उत्तोलन करने तार पद्मनाभ वर्तमान उद्धार कार्य क्यों क्यों टीम लगी कौन आसुची सूचना पद्मनाभ
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ମୁଁ ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଟିମ୍ ସହିତ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଟିମ୍ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଜୟପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବା ଯୋଉ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ଯଦି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧୀ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ବିନା ଅନୁମତିରେ ଯଦି ଏଠାରୁ ପଥର ଖୋଳାଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ତହସିଲଦାର କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏଠାରେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ତାହାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ତେଲିଙ୍ଗିରି ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି, ଆର 200 ମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ଏଠାରୁ ପଥର ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା, ଯେହେତୁ ଆକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ସବୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ପୋଲିସର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ରହୁଛି କିପରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ଜେସିବି ଅପରେଟର ପଥର ତଳେ ଚାପି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଦ୍ମନାଭ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ପଦ୍ମନାଭ ଭତ୍ତା ଯିଏ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।